हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संगीता's किचन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू की कचौरी, एकदम खस्ता करारी और फूली फूली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रेसिपी। कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगा के तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया और एक छलनी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप मैदा और इसे हम छान लेंगे, जिससे कि मैदा में कुछ भी होगा तो निकल जाएगा बाहर ही। मैदा हमें थोड़ी कम लग रही है तो आधा कप मैदा और मैं ऐड कर रही हूँ। टोटल हमने 1.5 कप मैदा ली है और वजन के हिसाब से बोलूँ तो ये 200 ग्राम मैदा होगी। अब हम इसमें लगाएंगे मोयन। मोयन लगाने के लिए यहाँ पे मैं सारी मैदा अच्छे से इकट्ठी करूँगी और बीच में करूँगी एक गड्ढा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल। आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल हमें जितनी हमने मैदा लिया है ना, उसका 1/4 भाग लेना है। मतलब हमने 200 ग्राम मैदा ली है तो हमें 50 ग्राम ऑयल या घी ऐड करना है, जिससे कि हमारा मोयन एकदम बढ़िया से लगेगा। और थोड़ा सा नमक ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोयन हमारा आटे के कण कण में पहुंचना चाहिए और मोयन लगने के बाद हमारा आटा इस तरीके से मुट्ठी बंधना चाहिए। ये देखिए, परफेक्ट मुट्ठी हमारी बंध रही है, मतलब कि मोयन हमारा एकदम परफेक्टली लगा है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। दोस्तों, आपकी एकदम खस्ता करारी फूली फूली कचौरी चाहिए तो मोयन परफेक्टली लगाना इसी तरीके से। और आप चाहें तो इसमें थोड़ी अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे अजवाइन का टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। डो हम एकदम सॉफ्ट लगा के तैयार करेंगे। अगर हमने डो हार्ड कर दिया तो कचौड़ी के फटने के चांसेस रहेंगे। डो हम एकदम सॉफ्ट लगाएंगे। देखिए, इस तरीके का एकदम सॉफ्ट डो हमारा लग के तैयार है। तो अब हम इसे ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तब तक के लिए हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे और इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हींग। इसे कुछ सेकंड के लिए हम भून लेंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर एकदम बढ़िया से आए मसाले में। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हरी मिर्च। इसे भी कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा अदरक, आधा इंच होगा, जिसे कद्दूकस कर लिया है। और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। सारी चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। सारी चीज़ें हमारे अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी को हम यहाँ पहले ऐड करेंगे और बाकी के मसाले बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी। हल्दी को हम अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। मुझे यहाँ पे हल्दी थोड़ी सी कम लग रही है तो मैं थोड़ी और ऐड कर देती हूँ। हल्दी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं, जिसे मैंने पहले से बॉईल करके, पेल करके और हाथों से क्रश करके रख दिया था। अब इन सब आलू को हम इसी पैन में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहें तो फ्राई किए बिना ही आलू की स्टफिंग तैयार कर सकते हैं, पर इसके लिए आपके आलू एकदम बढ़िया से ड्राई होने चाहिए। अगर आपके आलू में जरा सा भी मॉइस्चर है तो आप इसी तरीके से स्टफिंग तैयार करें। इससे होगा क्या कि हमारे आलू में जो भी मॉइस्चर होगा वो फ्राई करते टाइम बर्न हो जाएगा और हमारी स्टफिंग जो है एकदम बढ़िया ड्राई तैयार होगी और हम आराम से कचौड़ियों की स्टफिंग कर पाए। ये लीजिए, आलू हमारे एकदम बढ़िया से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसे मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। इसे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है कचौरी में, जरूर ऐड करें। थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं ऐड किया है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्टफिंग हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, पर हमने इसमें अभी नमक नहीं डाला है। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, हमारी एकदम सुपर टेस्टी स्टफिंग तैयार है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। दोस्तों, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, डो हमारा एकदम बढ़िया से सेट हो चुका है। इसे वापस से एक बार हम गूंद लेते हैं, जिससे कि ये और भी सॉफ्ट हो जाए। तो डो हमारा रेडी है।
अब डो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हम लेंगे और इसे प्लेटफॉर्म पर हम बड़ा सा लंबा रोल बनाएंगे इसका, इस तरीके का। रोल हमारा तैयार है तो अब हम इसे नाइफ से कट करेंगे। नाइफ से कट करने से हमारे पेड़ एक ही साइज के बनेंगे, जिससे कि हमारी कचौड़ियाँ भी एकदम बढ़िया एक साइज की बनेंगी। आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप नाइफ से ही करें। अब एक पार्ट हम उठाएंगे और इसे हाथों से रोल अप कर लेंगे, जिससे कि हमारे पेड़ एकदम बढ़िया एक ही साइज के बने। इसी तरीके से हम सारे पेड़ बना लेंगे। ये लीजिए, एक ही साइज के सारे पेड़ हमारे तैयार हैं। तो अब हम कचौड़ियों की स्टफिंग करते हैं। कचौरी को स्टफ करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पेड़ा ले लिया है और इसे मैं दोनों हाथों के अंगूठों से इस तरीके से कटोरी का शेप दे रही हूँ। हमारी एकदम बढ़िया से कटोरी तैयार हो जाएगी। तो अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच स्टफिंग ली है और स्टफिंग को हम अंदर की साइड प्रेस करेंगे और आटा जो है ना हमारा, उसे बाहर की साइड खींचेंगे। और इसी तरीके से हम अपनी कचौड़ी को एकदम बढ़िया से बाइंड कर देंगे। ये देखिए, कचौड़ी हमारी एकदम बढ़िया से बाइंड हो चुकी है और ऊपर का जो आटा है उसे हम प्रेस कर देंगे। ये लीजिए, एक कचौड़ी हमारी तैयार है। मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखा देती हूँ। सेम प्रकार से हमें कटोरी का शेप देना है आटे को और फिर हमें स्टफिंग भरनी है। और अब हम स्टफिंग को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और जो आटा है हमारा उसे बाहर की तरफ इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे। ये लीजिए, प्रेस हो गया। अब हम इन सारी जॉइंट को एक साथ इकट्ठा कर देंगे और इसे जॉइंट कर देंगे। ये लीजिए, ये भी हमारी कचौड़ी तैयार है। तो आप दोनों मेथड से कचौड़ियों को अच्छे से स्टफ्ड कर सकते हैं और आपकी कचौड़ी तलते टाइम खुलेगी नहीं, इसकी गारंटी है। तो सारी कचौड़ियाँ हमारी तैयार है। तो अब एक प्रोसेस और है, वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ हम कचौड़ी को हाथों के बीच रखेंगे इस तरीके से और इसे हथेलियों की सहायता से थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर लेंगे। आप चाहें तो इसे बेलन से भी बेल सकते हैं, इससे भी इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। बस हमें बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है, बस थोड़ी सी साइज बड़ी करनी है। यही साइज की कचौरियाँ होती हैं। ये देखिए, पहले की कचौड़ी और बाद की, बस हमें इतनी ही साइज बड़ी करनी है। इसी तरीके से हम बाकी की कचौड़ियों की साइज बड़ी कर लेंगे। ये लीजिए, सारी ही कचौड़ियाँ हमारी तैयार हैं। तो अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में तेल गरम करने रख दिया था। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम हीट पे होना चाहिए हमारा तेल। और अब हम इसमें कचौड़ियाँ ऐड करेंगे। कचौड़ियों को हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो और अच्छे से पके और इसमें एक बढ़िया सा खस्तापन आए। ऑलरेडी कचौड़ियाँ हमारी खस्ता ही बनेगी क्योंकि हमने बढ़िया से मोयन लगाया है। अब इसे हम 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। ये जैसे ही अंदर से पकने लगेंगी अपने आप ऊपर आ जाएंगी, तैरने लगेंगी। ये देखो, हमारी कचौड़ियाँ तैरने लगी हैं और अपने आप ही फूलने लगेगी। अब हम इसे पलट देते हैं और दूसरी साइड भी हम इसे 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे, जिससे कि हमारी कचौड़ियाँ एकदम बढ़िया से फूलेंगी और बढ़िया से फ्राई होंगी, अंदर तक पक जाएंगी। ये देखिए, सारी कचौड़ियाँ हमारी बढ़िया से फूल चुकी हैं। अब इसे हम एक बार और पलट देते हैं और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारी कचौड़ियों का रंग एकदम बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और सारी कचौड़ियाँ हमारी एकदम बढ़िया से फूली फूली बनी हैं। दोस्तों, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इन कचौड़ियों को दही के साथ, चटनी के साथ या चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती हैं और इस बारिश के मौसम में कचौड़ियों खाने का जो आनंद है ना, वो आप खाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।